अगर तुम माँ पार्वती की तपस्विनी हो ना, तो हम भी भोले बाबा के भक्त हो रहे हैं। तुम्हारे इन्हीं आंसुओं को खुशी के आंसू में बदल देंगे, ताकि जब भी तुम रो, खुशी के आंसू रो, वरना तुम्हारे आंसू कभी आए ही नहीं। लौटे की हंसी तुम पर, हम लौटाएंगे तुम्हारी हंसी। कृपा करो भोलेनाथ, कृपा करो। अभी बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के। हुकुम। प्रणाम हुकुम। प्रणाम प्रणाम। पर सुनो, हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनो जरा। जी हुकुम। काम थोड़ा संगीन है, होशियारी से काम लेना पड़ेगा, और अगर जरा सी भी चूक हुई तो अपने हाथों से मारूंगा एक एक को गोली। चूक नहीं होगी हुकुम। जितने भी तेरे दबंग आदमी है सबको लेकर के मुनिया टोला गाँव निकलो, वहां मेरा आदेश मिलेगा तुमको। जी हुकुम। चंदन दास जानते हो उसको? जी जी चंदन दास, वो समधी आपके। तो उसके मकान को तबाह कर दो, जमींदोज कर दो। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कभी वहाँ कोई मकान था। पूरा परिवार सड़क पर आ जाना चाहिए। तो सुनो, उनके बीच में हमारा बड़ा बेटा राजीव है, अगर वो बीच बचाव करेगा तो उसके साथ अहिंसा से पेश आना। अगर हमारे बेटे को जरा सी भी खरोच आई ना, तो तुम सब के पुराने केसों की फाइलें खुलवा दूंगा मैं। बाकी औरत मर्द जो भी बीच में आए, किसी के साथ कोई रहम मत करना, खुली छूट है तुमको। जी हुकुम। ये काम तो पहले ही हो जाता, अगर वो कबूतर के औलाद अवधेश उस दो कौड़ी की लड़की को तड़ी पार कर दिया होता तो। रात भर राजीव और गो की कुटर को नहीं सुननी पड़ती। राजीव बाबू, ये सब कौन करके गया है? राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, माई माई, क्या हुआ? राजीव बाबू कहाँ है? कहीं नहीं दिख रहे राजीव बाबू। कहाँ जाने, इधर तो नहीं है। अरे इतना भी याद मत करो, हिचकी आ जाए, पूरा गाना बिगड़ गया हमारा। कहाँ है? कुछ पक रहा है, खुशबू भी अच्छा आ रहा है। अरे अब बाहर खड़े होके जायका लोगे या अंदर आके नोश फरमाओगे? देखो चाय तैयार है, नाश्ता बनना बाकी है। बुखार है हमको, बीमार नहीं है हम, और चाय की तलब है, बनाने के लिए लाचार नहीं है हम। तो कब से बोलने लगे माए, कहीं बुखार का तो असर नहीं है ना? लग तो हमको भी यही रहा है। ये बोले बाबा, रक्षा करना मेरे राजीव बाबू का। गर्मा गर्म चाय चाय पीजिएगा। को कैसे पता तू है? अब पायल को निकालना मत, वैसे हमने सुना है कि शगुन बनता है जो पहनते हैं, तो हम खेले। अरे दोती जी, बड़ा संभाल के, इज्जत का सवाल है। शिखर यही है सारे कागज, कोई सबूत कोई सुराग नहीं है यहाँ पर।
ठीक से ढूंढो। मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये देखो, मृत्यु प्रमाण पत्र, नाम शंकर, उम्र 31 साल। शंकर के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र मिला है। एक बात कहें, बवाल हो तुम। हाँ, और ये बात कहने में तुम्हें 25 साल से ज्यादा लग गए। आगे पढ़ो। पूरा तो नहीं है, ये कागज बस इतना ही है। ये जरूर देवनारायण चंदेल की कारिस्तानी होगी, जानबूझकर फाड़ा होगा उसने। कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्या हासिल नहीं होगा? अपने बेटे की पैरवी करने से तुमको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कायर है तुम्हारा उद्देश्य, निकम्मा, नालायक, गैर जिम्मेदार। खबरदार, अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे हम। अरे, एक छोटा सा काम दिया था हमने उसको, कुओं को अगवा करने का। वो भी तब जब वो बिल्कुल अकेली थी, फिर भी नहीं कर पाया तुम्हारा लाडला। अरे, कांपने लगे उसके पैर, पैंत पानी हो गया उसका। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के ख्वाब देख रही अम्मा, और बेटे में चौकीदार बनने की कोई लियाकत नहीं। बस कर दीजिए। नहीं होगी भी नहीं, क्योंकि उसकी रगों में तो तथा कथित पत्रकार शेखर सिन्हा का पतला खून जो दौड़ रहा है। बस कर दीजिए। क्या कहा आपने? आवेश की रगों में पतला खून बह रहा है। पतले खून की पैदाइश है अवधेश, कि पतला खून शेखर का नहीं, आपका है। देव नारायण चंदेल अवधेश मेरी और शेखर की औलाद नहीं है, अवधेश मेरी और आपकी नाजायज औलाद है। देवता झूठ रही है। सच को आज कैसे हम तो कहते हैं, अभी चलिए, चलिए ना। डीएनए टेस्ट करवा लीजिए अवधेश का, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी जिंदगी में बस एक ही बेहुदा झूठ है, और वो है आप। महाभारत में कर्ण युधिष्ठिर से पढ़ा था, और यहाँ हमारा नाजायज बेटा आपके जायज बेटे राजीव से, और यकीन मानिए उसको उसका जायज हक दिलवा के रहेंगे हम। जिसको अपने ठोकरों पर रखते हैं ना, जो आपको हुकुम हुकुम कहते नहीं थकता, जिसको आप इतनी गाली इतनी बातें सुनाते हैं, वो आपका गुलाम, आपका नौकर नहीं है, आपकी अपनी संतान है, आपका बड़ा बेटा है, वो आपका अपना खून है। बड़ी सच्चाई छुपाई थी हमने, वो भी हमारे बेटे की खातिर, लेकिन देख रहे हैं कि अब इस सच्चाई को छुपाने का भी कोई फायदा मिल नहीं रहा है उसको। एक एहसान फरामोश दरिंदे को ऐसा लग रहा है कि उसने एक पालतू कुत्ता रख लिया है, लेकिन बात अब बात हो गया। हम ये सच दुनिया के सामने उजागर करेंगे कि रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल और उसकी साली के बीच में सिर्फ नाजायज रिश्ता नहीं है, बल्कि उन दोनों की एक नाजायज संतान भी है। नाजायज औलाद। अवधेश तेरा अपना हो, मेरा बेटा। कैसा धोखा हुआ है, अपने खून को नहीं पहचान पाया मैं, जबकि इतने वर्षों से मेरी आंखों के सामने रहता, इसी छत के नीचे। क्या क्या खुशबू तुमने, क्या जुल्म किया तुमने। हो गया। छोड़ के आप धोती कब से बांध लिए? अरे, अलमारी खोला तो अलमारी में धोती मिला। हमको लगता है ये कुर्ता तुम्हारे भाई का है, बबलू का, पहन लिया हम। और वैसे भी हमने सुना है कि जैसा देश वैसा भेस, तो धारण कर लिया हमने ये भेस। वैसे जच रहे कि नहीं? बहुत। जे बा माय, वैसे भी सिर्फ जैसा देश वैसा भेस से नहीं चलता है, भेस बदलना भी आना चाहिए। अब इका बात हो गया कि धोती का गांठ बांधने के लिए बेवाद में चाहिए आपको। अरे, अंध भला तो सब भला। अंत का तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ गया, गया कब था वो मुस्कुराहट? और ये चाय नाश्ता ये सब कहाँ कर रहे हैं आप?
अरे जब डिसाइड कर ही लिया है हमने कि मुनिया टोला में रहना है तो उंगते बैठते थोड़ी ना दिन काटेंगे हम, तो सोचा कुछ काम कर ले। अरे ऐसा कुछ काम करेंगे, थोड़ा रूटीन बनाएंगे। माई अभी रोटी भी बनाएंगे देखो। अरे रोटी नहीं, रूटीन। रूटीन रूटीन का मतलब दिनचर्या। दिनचर्या बनाएंगे। अब क्या है ना माई कि सुबह उठेंगे, चाय नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे कुहू के साथ बाहर पानी भरने के लिए। पानी भरते समय जब घड़ा उठाएंगे हम तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा हमारा, ठीक है कि नहीं? और जब घर पे आएंगे तब घर का जो भी काम होगा उसके अंदर हाथ पैर बटाएंगे, उसके बाद शाम को निकल पड़ेंगे कुहू के साथ सैर के लिए। हमने तुम्हारे गुहाल में दो गैया भी देखी थी, अभी गैया को भी चारा भूसा खिलाना तो होगा ना, वो भी हम खिला देंगे। और जो कोई हमको दूध दोना सिखा देना वो भी कर लेंगे, बस घर का काम। अब कुछ नहीं करेंगे, आपका ऐसा कुछ दिनचर्या नहीं होगा। मैं कह दो नहीं होगा आपका दिनचर्या। अरे आप बूझ का ही नहीं रहे, आप राजीव नारा चंदेल है ना मैं, वो सब आप थोड़ी करेंगे। अरे वो आपका चंदेल कंस्ट्रक्शन है ना, उसके तो आप डायरेक्टर है, आप का ही नहीं बूझ रहे हैं, ये सब काम करेंगे आप यहाँ। अरे चाय नाश्ता बना के हमारे कपार पे पाप थोप रहे आप। अरे 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 चाय बनाने से कौन सा पाप लगने वाला है? पाप है। अरे क्या पाप है? हाँ, चाय बनाना के फिर ये करना। बोलो पाप है। अरे फूक मारो, फूक मारो, फूक मारो। अब क्या करते हैं? चल गया ना, फूक मारो। अब ठीक लग रहा है? जोर से, जोर से, जोर से। माई कुहू और राजीव बाबू का भविष्य एक दूसरे के साथ ही है, इसके बाद भी कहती है कोई भविष्य नहीं है इस रिश्ते का, ये दोनों को साथ जीना होगा, एक दूसरे को अपनाना होगा। हमने सुन के आपके ऊपर देर हो गई, बहुत देर हो गई। घर के तुमने पहले ये सच्चाई बता दी होती तो आज शायद आज हम तुम दो नहीं एक होते, एक परिवार होता, कुल के साथ जीते। और इतने वर्षों जो तुमने कठिन संबंधों के सिर लच्छे लिए, मुझसे नफरत करने लगी हो, और अवधेश शायद वो भी अब मुझे और इस नए रिश्ते को नहीं समझ पाए। हम नफरत नहीं कर सकते आपसे, अगर हम आपसे नफरत करते तो हम यहाँ इस घर में रुकते नहीं। इतनी जिल्लतों के बाद, इतनी बेइज्जती सहने के बाद हम इस घर में रहते, इस घर में रहते हुए आपकी साथ रखते, हम आपसे नफरत कर ही नहीं सकते क्योंकि हम आपसे सिर्फ प्यार करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। और अवधेश, अवधेश तो मानता है आपका, मानते हैं भक्त को बेटा बनना होगा और वो बनेगा। एक अगर आप हमें देश को अपने परिवार के तौर पर, अपने जायज परिवार के तौर पर स्वीकार कर ले, आप करेंगे? बोलिए ना, करेंगे? सबके लिए शिकवे भुलाकर, आज की नफरत भुलाकर स्वीकार करो कि मुझे जो साथियां मैंने की है उसे माफ करके एक मौका दोगी अपने आप से जोड़ने का? चलो इस पल का काल तो टला, अब मैं ना आ जाए तो दोनों को एक साथ ठिकाने लगा दूंगा। हंसिनी, हंसिनी दरवाजा खोलो, हंसिनी दरवाजा खोलो। अरे भाई दरवाजा खोलो प्लीज,
सबका जीत हंसनी खामोशी से सुने और हमरे जीत का कब? नहीं नहीं, दरवाजा खोलेंगे, अब हमरे जीत का बारी है। देखो हंसनी, ये तुम्हारी जिद है ना, कोई काम नहीं आएगी। और तुम ये हमें अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो या धमकी देने की कोशिश कर रही हो तो इसका कोई असर नहीं होने वाला। कुहू भाभी इस घर में जरूर आएगी, हर हालत में आएगी। दरवाजा खोलो। देखो हम जा रहे मुनिया टोला, कुहू भाभी और दादा को पूरे सम्मान से वापस लेके आने के लिए। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, तुमको जो करना है ना तुम करो, अंदर पड़ी रहो। बाय। नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे दरवाजा, नहीं 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 नहीं। चले तो नहीं कहे सच में? हेलो संजीव जी, हेलो जैसे हम मर गए हैं इन सब लोगों के लिए। जिसको देखो ऊंचा उसी का बात करता रहता है, उसका चिंता करता रहता है, हम नहीं है क्या? हमने ही अपने आप को एक कमरे में बंद किया था। अकेले लोगों पर कोई असर होगा, लेकिन इन लोगों पर कोई असर ही नहीं हुआ। इनका दिल है कि पत्थर, अमूढ़ा के चल दिए। तुम एकदम बेवकूफ हो अंशिनी, एकदम बेवकूफ, एक नंबर की मुंह रखो, जो अपने आप को एक कमरा में बंद कर ली। दंजित काम आया, अनाइन लोग पर कौनो असर हुआ, कौनो फर्क पड़ा? कितना बच गया है? 10 बच गया। सब लोग भोजन भको अस रहे होंगे, हमको कोई बुलाने तक नहीं आया। लेकिन तुम भी बात जान लो कुहिया, हम तुमको अपने ससुराल में लौटने नहीं देंगे। तुम नहीं घुस सकती हमरे आसियाने में, ये बात तय है। को रखी से कहो मैं सिंदूर की बाती को धर के कसम खाओ। क्या हो गया? कसम खाओ कि राजीव बाबू को अपनाओगी और उनसे दूर कभी नहीं होगी। क्या बोल रही है? हाँ पगला गई है क्या? हाँ पगला गई है ये, और आ गई है। सिंदूर का कसम देकर इसको बनवास देना चाहती हो, और वो भी उस बन में जहां जिद और चील नोच के खा जाएंगे हमारी बेटी को। माथा आउटडेटेड हो गया है तुम्हारा। बनवास ऊना ही बनवास तब होगा जब इसको राजीव बाबू के बिना सारा जिंदगी जीना पड़ेगा। देख नहीं रहे आप दिन दोनों में कितना प्रेम है? रह पाएंगे ये लोग एक दूसरे के बिना? और सिर्फ कुहू ना ही, राजीव बाबू को भी कुका के तफिकर है, कितना चिंता है, फिर कहां एक दूसरे से अलग रहेंगे? हाँ वो देव नारायण चंदेल का इतना खौफ है, उस जंगल में रहने से इतना परहेज है, तो रहे इधर मुनिया टोला में, रहो तुम लोग। इधर भी तो घर गृहस्थी चलती है ना, पति पत्नी रहते हैं मुनिया टोला में। तुम्हारा कहने का मतलब है ब्याह हुआ है तो निभाओ, कहा जरूरत है किसी दूसरे के कारण अपना विवाह, अपना सुहाग, अपना प्रेम सब त्यागने का? मैं ठीक कह रही हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रहेंगे मुनिया टोला में, रहेंगे यहां और निभाएंगे अपना विवाह, अपना प्यार। तब सब चुप हो जाओ। इस घर का मुखिया अभी जिंदा है, इतना बड़ा बड़ा फैसला लेने के लिए अभी हम जिंदा हूं, हम तय करूंगा अपना बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। अच्छा
महीने भर पहले तक आप इसको बेटी तक नहीं मानते थे। कहने दे, आज 20 साल तक इसका सुख दुख हानि लाभ हम देख रहे हैं। जितना हम इसको बुझते हैं ना, इतना और कोई नहीं बुझता। ये बात तो पक्की है, ये क्या चाहती है, क्या कहती है, इसमें फर्क हम समझते हैं। तो इसीलिए फैसला हम लेंगे, आप नहीं। हम मानते हैं हम अपने कर्तव्यों से थोड़ा दूर रहे, पर अब जब जागे हैं तो फैसला हम लेंगे कि तुम हम काय की। फैसला वो लेगा जो अपनी बेटी को समझता है। आपको कोई समझ नहीं इसकी। बात कर रही हो, हमको समझ नहीं है, ये हमारा खून है। हमरा हमरा नहीं, बंद करो, बंद करो माई। बाबू कोई नहीं लेगा फैसला, ना माई तू लेगी, ना बाबू आप लेंगे। अपना जिंदगी का फैसला ना सिर्फ हम लेंगे, और कोई नहीं लेगा। और हमारा फैसला ये है, हम राजीव बाबू के साथ नहीं रह सकते। और राजीव बाबू मुनिया टोला में भी नहीं रह सकते, काहे कि उनकी जिंदगी में ना हमारा कोई जगह नहीं है।